बॉन्डिंग है एक एक्टर और एक डायरेक्टर की, वो मजबूत हो जाती है, एक दूसरे को समझ पाते हैं और वो जो समझ है वो सिनेमा में भी नजर आती है। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? एकदम कहना चाहेंगे। आपने अच्छा ही क्वेश्चन किया है। दरअसल एक ना दोस्ती टाइप का रिलेशन हो जाता है, एक डायरेक्टर एक एक्टर का जब बॉन्डिंग मजबूत होती है तो एक पिता पुत्र के समान रिलेशन भी होता है, दोस्ती का भी रिलेशन हो जाता है। फिल्मों को जैसे डायरेक्टर सींचता है, जैसे पुत्र को पिता सींच के बड़े करते हैं, वैसे फिल्मों को डायरेक्टर सींच के बड़ा करता है और एक्टर उसमें पलता है, उस चीज़ को कैरेक्टर में ढलता है। तो निश्चय ये चीज़ें बहुत लाभदायक होती है जब बॉन्डिंग एक फ्रेंडशिप होता है, एक रिलेशन मजबूत होती है उसमें, तो ना काम करने में मजा आता है, झिझक मिटक जाती है और आदमी खुल के काम करता है। अमित जी, आपने बताया कि समय की बड़ी कमी है आपके पास, बेसिकली आपके दूसरे जो है जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। जब फिल्म शुरू होगी, जब फिल्म शूट होगी, तो क्या आप अपना समय दे पाएंगे उस दौरान? देखिए, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो भी काम है वो सूरज जी देखेंगे, इन्हीं के संरक्षण में होगा। और ये सही बात है, मैं इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे ईश्वर छोड़ दीजिए, कारण कि जब ये बोल रहे थे मैं कल रात में 1 बजे पहुँचा हूँ भुवनेश्वर से जमशेदपुर, फिर आज मुझे आना था। तो जहाँ तक काम है, मेरा जो अपना फर्म है उसमें अभी 350 लोग काम करते हैं। बराबर। और 350 में अलग अलग कंपनी है 14-15, तो मुझे आदत है एक और बढ़ेगा तो उसको हैंडल करने का। तो निश्चित ही इस सेगमेंट को भी बड़ी प्रॉपरली हम सिस्टमेटिक करते हैं। अब इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रही है मैं नहीं देखता हूँ, रिजल्ट चाहिए। और हम लोग इस तरह से करते हैं कि वो बेटर हो और रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। थैंक यू। अब आप 300 में 200 और जोड़ लीजिए, महावीरा की टीम को अब 500 लोग हो जाएंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका कभी मुलाकात नहीं हुई है, कारण फील्ड अलग है, लेकिन आपका कभी कभी चैनल में आता है यूट्यूब में, तो मैं अच्छे से जानता हूँ आपको और बड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं आप, जैसा आप सूरज जी से कर रहे थे। तो अब इनका ये आंसर जो दिए, मैं इनके तरफ से थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। कोई भी जो जोड़ी बनती है या जो एक बॉन्डिंग होता है वो स्टार्टिंग होता है, धीरे 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 बन जाता है। जी जी, है ना। चाहे पवन सिंह ले लीजिए, खेसारी लाल ले लीजिए या रवि किशन जी ले, सब ने शुरुआत किया कहीं से छोटे स्तर से और आज वो स्टार बन गया है। तो वैसे ही ये लोग भी हैं स्टार, हैं भी, आगे और बन जाएंगे, तो जोड़ियाँ इनकी भी बनेगी। हो सकता है कल ये अक्षरा के साथ भी काम करें, हो सकता है हम रूपाली के साथ काम करें। इंडस्ट्री है तो समझता हूँ सूर्य सम्राट का अपना एक बड़ा नाम है जो कि एस्टैब्लिश है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसका फायदा आपको और महावीरा की पूरी टीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लव यू लव यू। ये आपके लिए हमारे तरफ से। क्या सोचा है केके गोस्वामी के लिए आपने? केके जी के लिए हम लोग कुछ नया ही सोचते हैं, उनके लिए अलग से ही मैकिंग करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये गुस्सा जाते हैं। हमारे गार्जियन है, ऐसा नहीं है, आशीर्वाद भी देते हैं। तो ये हम लोग से कहते हैं कि आपका जब भी फिल्म बनेगा, हाँ, तब ये मैं रहूंगा ही रहूंगा, क्योंकि ये फैमिली है। फैमिली, हाँ। फैमिली है तो हम लोग केके जी का मान सम्मान दे रहे हैं। अब अच्छा, मैं अच्छी उनके लिए अच्छा कुछ सोचा गया है। केके गोस्वामी जी, आपको जहाँ भी आप शूट करते हैं भीड़ बड़ी इकट्ठा होती है, बहुत ज्यादा फॉलोइंग आपने कमाए इतने सालों में सर, जिसकी वजह से बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, कई बार शूट डिस्टर्ब होता है। इस बार मेकर्स क्या ओवरकम करने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं ताकि शूट भी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे और आपके फैंस को भी दिक्कत ना हो? कई बार तो इन्हीं के शूट पर बहुत ज़्यादा मुझे बुलाया और जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो मुझे गाड़ी से उतारा ही नहीं, मैं गाड़ी में बैठे बैठे मेरा पैकअप हो गया। हाँ, अर्धांगिनी में हुआ था, अर्धांगिनी में। और ये अभी लास्ट वाले तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी मैं, क्यों इतनी भीड़ हो गई कि मुझे और हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने गाड़ी से उतारा ही नहीं मुझे, कि भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन व्यवस्था अच्छी रखी जाए, पुलिस और बाउंसर वगैरह, तो शूटिंग अच्छी हो सकती है। सूरज जी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और इनके साथ एक्टिंग करने में मज़ा आता है, क्योंकि इनको मैंने जब अर्धांगिनी में देखा था तो मैं तो हम लोग काम करने गए
मैं, मनोज टाइगर, संजय पांडे, अंजना जी, सुवी शर्मा, सारे बड़े स्टार थे। तो हम लोगों ने सोचा कोई नया लड़का होगा, ठीक है, हम लोग अपना काम करके चले जाएंगे। लेकिन जब इनके साथ शॉट दिया तो लगा कि नहीं, नया लड़का नहीं है, इसमें बहुत पावर है। और फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने पहले कुछ किया, तब इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मैंने बहुत काम किया है, सीरियलों में भी किया है जी जी, और इन्होंने बहुत नज़दीक से बैठ बैठ के शूटिंग देखा है जी, देख देख के इन्होंने सीखा है जी, जी, जी। और इनके अंदर बहुत गुण है, अगर इन्हें सही मौका मिला आगे तो ये भी जैसे बाकी पवन जी, दिनेश जी, केसारी जी जैसे दूसरे स्टार हैं, उस स्टार से ये कम नहीं है।